नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। नवाब मलिक ने आर्यन खान मामले में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई क्रूज पार्टी में शामिल दाढ़ी वाला फैशन टीवी का हेड काशिफ खान है। यही समीर वानखेड़े का दोस्त है जो देश भर में गलत सामान बेचता है और कई अनैतिक काम करता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मुंबई क्रूज पार्टी में 6:23 का एक वीडियो मेरे पास है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। बिहार की सियासत में कांग्रेस के काफी नजदीक पहुंच चुके जब सुप्रीमो ने प्रशांत किशोर को प्रायश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि देश को भाजपा की नफरती सियासत और मोदी सरकार देने के लिए पीके ही जिम्मेदार है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी का कहना है कि जब शाहरुख खान मेरे से मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू था। अब उनकी आंखों में जब मैंने आंसू देखे तो वो खुशी के नजर आए क्योंकि अब उन्हें तसल्ली मिल चुकी है। वो आर्यन के मामले में मुक्त हो चुके हैं। बिहार वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने कहा कि राजद की तरफ से हमें हमेशा ऑफर मिलता रहा है लेकिन वो डिप्टी सीएम के पद के लिए पाला नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा है कि लालू से बातचीत होती रहती है, हालांकि इधर कुछ दिनों से उनके बातचीत फिलहाल उनकी नहीं हुई है, लेकिन अगर उनका फोन आता है तो बात जरूर करेंगे। वो फोन करते हैं तो मेरे लिए आशीर्वाद ही होगा। हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी ना करना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चिंता की बात बनी हुई है। उन्होंने सीजन आईपीएल में भी गेंदबाजी नहीं की थी जिसका कारण उनकी पीठ की चोट है। वो लंबे समय से इससे परेशान है और इसका असर उनकी गेंदबाजी पर पड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी उन्होंने गेंद नहीं थामी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वैशाली जिले के राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटों पर राजद की जीत पक्की होने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कोरोना जैसे मामलों को जानबूझकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। इसे बड़ा परेशानी का सबब बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे निपटने के लिए भारत को नई रणनीति बनानी होगी। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सिवान सदर अस्पताल में एक महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। इससे पहले के एक बच्चे को जोड़ दे तो वो एक आधा दर्जन बच्चों की मां है। अब बच्चों को देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भीड़ नियंत्रित करने में प्रशासन परेशान है। आलिया ने 9 साल से ज्यादा के करियर में अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट से एक लंबा सफर तय किया है। एक्ट्रेस ने हाल ही में प्रोडक्शन हाउस इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शन हाउस की घोषणा की है। एक्ट्रेस के माता पिता महेश भट्ट और सोनी राजदान को अपनी बेटी पर गर्व है। एली मैगजीन के लिए दिए गए इंटरव्यू में निर्माता और आलिया के पिता ने अपनी बेटी की उपलब्धियों की प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2021 को मंजूरी दी है। इसके तहत संयंत्र मशीनरी के निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी कुल निवेश राशि का 15% होगी और अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक हो सकेगी। सरकार ये सब्सिडी 7 साल की अवधि में किश्तों में देगी। पहली किस्त वास्तविक उत्पादन शुरू होने पर दी जाएगी। लगभग 2 साल पहले तारकोल में प्लास्टिक मिक्स कर सड़क बनाने का प्रयोग किया गया था। जिले में 3 सड़कें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाई गई थी। एक रुस्तमपुर, दूसरी सिकरीगंज और तीसरी सड़क गीड़ा में बनी थी। लगभग 2 साल बाद ये तीनों सड़कें पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत हैं, जबकि बिना प्लास्टिक मिक्स किए बनाई गई सड़कें बरसात के बाद ही पैचिंग के लायक हो जाती है। दिल्ली के टेकरी बॉर्डर से आने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है। एक तरफ का रास्ता खुल सकता है। इस बारे में किसानों से बातचीत चल रही है। पुलिस ने गुरुवार को कुछ बैरिकेड हटा दिए हैं लेकिन रास्ता अभी बंद है। वहां अभी भी कई लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में बहादुरगढ़ से दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता खुलने की उम्मीद है। चीन के एक तिहाई प्रॉपर्टी डेवलपर्स अगले 12 महीने में अपने कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष करेंगे। एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। कि वो अपने कर्ज चुकाने के लिए इसीलिए संघर्ष करेंगे क्योंकि यह क्षेत्र गिरती बिक्री, ऋण तक सीमित पहुंच और व्यापक मंदी से गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है। हरियाणा के एलानाबाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। किसान आंदोलन के मद्देनजर इस चुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे तमाम संगठन भाजपा जेजेपी गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही एसकेएम के नेता राकेश टिकैत ने इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला को समर्थन देने के संकेत भी दे दिए हैं।
दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप तेज होने के कारण हालात बिगड़ने लगे हैं। रूस ने राजधानी मॉस्को को 11 दिन के लिए बंद कर दिया है। चीन ने वायरस को रोकने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं रूस की सरकार ने बताया है कि बृहस्पतिवार को रिकॉर्ड 46,096 लोगों ने संक्रमण की पुष्टि उनमें हुई है और वहीं 1,159 लोगों की जान गई है। यूरोपीय देशों में रूस में स्थिति इस वक्त बेहद खराब है। यहाँ अब तक 2,35,057 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में छात्रों को फ्री लैपटॉप का लाभ दिवाली के बाद मिल सकेगा। दरअसल सरकार जल्द ही लैपटॉप के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर सकती है। बताया जा रहा है कि निविदा प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सरकार छात्रों का आवेदन भी ले सकती है। रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत की रणनीति तैयार करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि जीत हो या हार राजनीति के केंद्र में भाजपा ही रहेगी। उन्होंने कांग्रेस के शासन वाले 40 सालों का जिक्र भी किया है और कहा कि उसी तरह भाजपा भी अभी तक कहीं नहीं जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने चंडीगढ़ में जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नवा पंजाब भाजपा दे नाल नारे का ऐलान किया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री के दौरों के बारे में ट्वीट कर निशाना साधा है। सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर कहा कि इस समय पर पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब दौरे पर हैं। सुनील जाखड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम इन दोनों में से एक ने अपना समय सही पाया है। यूपी के रामपुर से सपा सांसद आजम खान अपने छोटे बेटे एवं निवर्तमान विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ अदालत में चल रहे कई मामलों में काफी समय से जेल में सलाखों के पीछे बंद है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आजम खान की पुत्र वधू विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। 2 नवंबर को धनतेरस और 4 नवंबर को दिवाली है। इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली धमाकेदार होने वाली है। धनतेरस और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को न सिर्फ 31% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के साथ वेतन मिलेगा जबकि उन्हें 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने चर्चित राजेंद्र सदाशिव निकलजे छोटा राजन को 38 साल बाद बरी कर दिया है। वो मुकदमा दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले छोटा राजन की सबसे पहली एफआईआर का था जिसमें उनके खिलाफ साल 1983 में एक पुलिस अधिकारी पर निशाना साधने का आरोप लगाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार के उस सुबह की शुरुआत ठंड मौसम के साथ हुई और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के औसतन तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार को मुख्यतः आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज की जाएगी। वहीं कई राज्यों में मौसम विभाग के अनुसार ठंड के आगमन के संकेत दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार को इटली की राजधानी रोम पहुंच चुके हैं जहां वो कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य केंद्रों को पटरी पर लाने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अब आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से भी सफर का प्लान बना रहे हैं या फिर आपने इसके लिए रिजर्वेशन करा रखा है तो ये खबर आपके लिए अहम है। रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दरअसल रेलवे ने कोहरे की वजह से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए नया स्केड्यूल तैयार किया है। आंतरिक मूल्यांकन के लिए भी जरूरी। कर्नाटक राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आंतरिक मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए कॉलेज में नियमित कक्षा के प्रत्येक घंटे से 15 मिनट समर्पित करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण ने गुरुवार को कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए कार्रवाई की गई है। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यात्री को गलत टिकट जारी करने पर हवाई यात्रा से वंचित करने पर जेट एयरवेज पर 50,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। मामले के अनुसार पाली रोड जोधपुर निवासी शशिराज लालवानी ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने अपनी पुत्री की मुंबई से भोपाल जेट एयरवेज से यात्रा के लिए मेक माई ट्रिप ट्रैवल एजेंसी से जुलाई 2012 में टिकट बुक करवाया था किंतु कंप्यूटर की गलती से टिकट में पुत्री के नाम के बजाय मिस लास्ट नेम अंकित हो गया था। इंजीनियरिंग की डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यूपीपीसीएल के तहत कुल 113 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल पोर्टल upenergy.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
देश में फेस्टिव सीजन के चलते बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां भारत में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में कोरोना की फिर से वापसी हो चुकी है। कोरोना की वापसी की आशंका को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। दिल्ली बॉर्डर में किसान आंदोलन के बीच आज गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग को हटा लिया गया है। बैरिकेड हटने के बाद गाजीपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता खुल सकता है। किसान आंदोलन के कारण पिछले कई महीने से सड़क पर बैरिकेडिंग की हुई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, राजेश सोंथियाल, कृष्णा दुबे, महेश दास, नीतीश कुमार, अशोक कुमार, आशा कुमारी, राजमोहन देशवाल, धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कुश कुमार यादव, मृगेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ प्रकार है, आपके अनुसार किसानों का आंदोलन सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।